नमो नमः ओम विष्णु।
जनन्या नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या जनन्या नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। लक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। लक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। लक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै नमो नमः। ॐ विश्वजनन्या नमो नमः। ॐ महालक्ष्मी नमो नमः। ॐ विष्णुप्रियायै नमो नमः। ॐ धनप्रदायै
जय जय श्री महालक्ष्मी, करो मात तब ध्यान, सिद्ध काज मम कीजिए, निज शिशु सेवक जान। आइए सुनते हैं श्री महालक्ष्मी चालीसा। जगत
जय जय लक्ष्मी माँ।
बाम पे आई के हरे सकल संताप। सिंधु पिता है आपके धाता विधाता प्राण, बहना लक्ष्मी आपकी सब है झुकाए मात। उनमें प्रमुख है नाम, श्री रूप में आप है कमल के पुष्प विराज, लक्ष्मी रूप में आप है श्री विष्णु के साथ। जय जय लक्ष्मी।
जो तेरा नाम ले देते धन और धान, बांझ गुहारे लगाए जो देती माँ संतान। नित्य नियम से मात का भक्त जो ध्यान लगाए, सौ जन्मों के कर्मों का पुण्य वही फल पाए। मातु लक्ष्मी मंगलकार,
दिमाग जग हितकारी। घट घट में माँ वास तिहारा, निर्धन की तुम ही हो सहारा। जनन की तुम हितकारी।
सकल सृष्टि की भाग्य विधाता। सभी ही धन है पाते छत्र मधारे। जग विस्तारा हो
कहती। जय लक्ष्मी का रूप है प्यारा, भक्तों का सब काज संवारा। का आप पिटारा। आइए भक्तों, आज मैं आपको माँ वैभव लक्ष्मी की एक ऐसी विचित्र कथा सुनाता हूँ कि जिस पर माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा हुई वह कैसे भव से पार हो गया, जिस पर माँ लक्ष्मी की असीम अनुकंपा हुई वह जीवन में कैसे प्रगति करता गया। वैभव लक्ष्मी की ये सदियों पुरानी है महिमा, माँ वैभव लक्ष्मी की ये घर घर पहुँचानी है। सुन लो मैं सुनाता हूँ जो सुनी संतों की जुबानी है, सुन लो मैं सुनाता हूँ जो सुनी संतों की जुबानी है। ये सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। लक्ष्मी की कृपा अनंत है, शब्दों में बांधना कठिन है। माँ लक्ष्मी जिस पर कृपा करती है असीमित करती है, जिसको देती है इतना देती है वह समेटता रह जाता है। ऐसे ही कुछ भाव आइए आगे सुनते हैं। कुशीनगर में हरिवंश नामक व्यापारी रहता था, कर्म करो है कर्म ही पूजा हर प्राणी से कहता था। जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय वैभव लक्ष्मी। हाँ, कुशीनगर में हरिवंश नामक व्यापारी रहता था, कर्म करो है कर्म ही पूजा हर प्राणी से कहता था। समझ लिया जिसने ये सच वो सच्चा ज्ञानी है, समझ लिया जिसने ये सच वो सच्चा ज्ञानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। Thank you.
भक्तों केवल हरिवंश ही नहीं, उसकी पत्नी भी उसी के समान सुंदर, सुशील, गुणवान, धर्म के प्रति आस्था रखने वाली पतिव्रता स्त्री थी। आगे क्या क्या घटित होता है आइए सुनते हैं। पतिव्रता पत्नी थी उसकी, नाम दामिनी था जिसका, सत्य धर्म की राह पे चलना लक्ष्य था उसके जीवन का। पतिव्रता पत्नी थी उसकी, नाम दामिनी था जिसका, सत्य धर्म की राह पे चलना लक्ष्य था उसके जीवन का। सेवा भाव में हिचक नहीं, नाना कानी है। सेवा भाव में हिचक नहीं, नाना कानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। हंसी खुशी से उनका जीवन व्यतीत तो हो रहा था, परंतु दुर्भाग्यवश या यूं कहिए पूर्व जन्म के कर्मों के वशीभूत होकर हरिवंश कुसंगति में पड़ गया और हर प्रकार के व्यसनों में घिर गया। परिणाम स्वरूप उसका धन वैभव मान मर्यादा सब कुछ नष्ट हो गया और वो दाने दाने का मोहताज हो गया। कुसंगति में पड़ हरिवंश ने धन वैभव सब नष्ट किया, काल का पहिया ऐसे घूमा जिसने उसे पथ भ्रष्ट किया। जय जय मां लक्ष्मी, जय जय वैभव लक्ष्मी। हाँ कुसंगति में पड़ हरिवंश ने धन वैभव सब नष्ट किया, काल का पहिया ऐसे घूमा जिसने उसे पथ भ्रष्ट किया। ना घर में सुख चैन रहा, ना दाना पानी है। अरे ना घर में सुख चैन रहा, ना दाना पानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। भक्तों इधर दामिनी बहुत परेशान थी, जिस कारण उसका नित्य नियम भी टूट गया था और मंदिर जाकर पूजा पाठ करना भी छूट गया था। एक दिन मंदिर में रहने वाले एक दिव्य पुरुष दामिनी की अनुपस्थिति का कारण जानने उसके घर पहुंच गए। उन्हें देखकर दामिनी ने उन्हें बैठने को फटा पुराना आसन दिया और हमेशा अतिथि सत्कार करने वाली दामिनी को अपनी लाचारी पर रोना आ गया, क्योंकि घर में अन्न का एक दाना तक नहीं था जो उन्हें भेंट कर सके। एक रोज एक दिव्य पुरुष आ पहुंचे दामिनी के घर में, देख के उसकी दीन दशा हैरान हो पड़ गए चक्कर में। हाँ एक रोज एक दिव्य पुरुष वा पहुँचे दामिनी के घर में, देख के उसकी दीन दशा हैरान हो पड़ गए चक्कर में। प्रेम से पूछा बोलो बेटी क्या परेशानी है। प्रेम से पूछा बोलो बेटी क्या परेशानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है।
महापुरुष की स्नेह युक्त मीठी वाणी सुनकर दामिनी ने रोते रोते अपनी सारी व्यथा सुना दी और इस विपदा से छुटकारा पाने का उपाय पूछने लगी। रोते रोते दामिनी ने सब अपनी व्यथा सुना डाली। रूठ गई है खुशियाँ हमसे, रूठ गई है खुशहाली। रोते रोते दामिनी ने सब अपनी व्यथा सुना डाली। रूठ गई है खुशियाँ हमसे, रूठ गई है खुशहाली। अनजाने में शायद हमसे हुई नादानी है, अनजाने में शायद हमसे हुई नादानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है। सारी व्यथा सुनने के बाद उस दिव्य पुरुष ने कहा, बेटी माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करो जो तुम्हारे सारे दुखों का नाश कर देगा और तुम्हारे जीवन में फिर से खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा। यह सुनकर दामिनी ने व्रत की विधि जानने की जिज्ञासा प्रकट की और विधि बताने की प्रार्थना की। तब उस दिव्य पुरुष ने क्या बतलाया ये सुनते हैं। रखना ध्यान और व्रत बस दिन हो शुक्रवार का, संकल्प लो किस ग्यारह सातवार का। जय जय मां लक्ष्मी, जय जय वैभव लक्ष्मी। हाँ रखना ध्यान तुम व्रत दिन हो बस शुक्रवार का, संकल्प लो किस ग्यारह सातवार का। मन में उसे दोहराओ फिर मन्नत जो मानी है, मन में उसे दोहराओ फिर मन्नत जो मानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है। फिर उस दिव्य पुरुष ने आगे यह बतलाया कि स्नान करने के पश्चात साफ सुंदर वस्त्र पहनकर सच्ची भाव भक्ति और श्रद्धा से माँ वैभव लक्ष्मी का मन में ध्यान करना। करके स्नान साफ सुथरे वस्त्र पहन कर श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी का मन में ध्यान धर। जय जय मां लक्ष्मी, जय जय वैभव लक्ष्मी। हाँ करके स्नान साफ सुथरे वस्त्र पहन कर श्रद्धा से वैभव लक्ष्मी का मन में ध्यान धर। माँ लक्ष्मी की प्रेम से मूरत तुझे सजानी है, माँ लक्ष्मी की प्रेम से मूरत तुझे सजानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है।
जिसके पश्चात वह दिव्य पुरुष उस नारी को पूजा की विधि समझाने लगे। माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा का क्या विधान है, यह एक एक करके समझाने लगे। आइए सुनते हैं। पूर्व दिशा में आसन माँ लक्ष्मी का लगाओ तुम, सुंदर सा लाल कपड़ा उस पे बिछाओ तुम। पूर्व दिशा में आसन माँ लक्ष्मी का लगाओ तुम, सुंदर सा लाल कपड़ा उस पे बिछाओ तुम। चावल की एक ढेरी उस पर लगानी है, चावल की एक ढेरी उस पर लगानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। आगे वह दिव्य पुरुष यह बतलाने लगे कि मन में यदि माँ लक्ष्मी का ध्यान ना हो तो किसी भी प्रकार का समर्पण अर्पण, भले वो फूल हो चंदन हल्दी हो, सब व्यर्थ है। सबसे पहले माँ का ध्यान लगाओ। करके ध्यान मन में लक्ष्मी मैया को बुलाओ तुम, चंदन या हल्दी का तिलक मैया को लगाओ तुम। करके ध्यान मन में लक्ष्मी मैया को बुलाओ तुम, चंदन या हल्दी का तिलक मैया को लगाओ तुम। फूल और फलों की भेंट फिर मैया को चढ़ानी है, फूल और फलों की भेंट फिर मैया को चढ़ानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है। वह दिव्य पुरुष कहने लगे, बस इसी प्रकार माँ का पूजन करते रहना जब तक कि संकल्प किए गए व्रत पूर्ण नहीं हो जाते। अंतिम शुक्रवार को उद्यापन करना होगा, उस दिन खीर और नारियल का प्रसाद बनाना होगा और सात महिलाओं को भोजन करवाकर तब खुद प्रसाद ग्रहण करना होगा। इससे तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। अंतिम व्रत संकल्प का करना है उद्यापन, घर में बुला कर सुहागिनों को दो उनको भोजन। जय जय माँ लक्ष्मी, जय जय वैभव लक्ष्मी। हाँ अंतिम व्रत संकल्प का करना है उद्यापन, घर में बुला कर सुहागिनों को दान को भोजन। खीर चावल की प्रेम से उनको तुम्हें खिलानी है, खीर चावल की प्रेम से उनको तुम्हें खिलानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तों, सच्ची कहानी। ये
सारा वृतांत सुनकर दामिनी ने पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से माँ वैभव लक्ष्मी के 21 व्रत किए और पूर्ण विधि विधान से उद्यापन किया, जिसके फल स्वरूप माँ वैभव लक्ष्मी ने उसको धन धान्य से माला माल कर दिया और उसका पति भी कुसंगति को छोड़कर फिर से अपने कर्म करने लगा। उनके जीवन में पुनः खुशहाली और खुशियां लौट आईं। जैसे कृपा की इन पर ऐसी हो सभी पर, लिखने में या कहने में कोई चूक हो अगर। जैसे कृपा की इन पर ऐसी हो सभी पर, लिखने में या कहने में कोई चूक हो अगर। करना क्षमा माँ दास को नादान ज्ञानी है, हाँ करना क्षमा माँ दास को नादान ज्ञानी है। ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है, ये सच्ची कहानी है रे भक्तो, सच्ची कहानी है। श्री कनक धारा स्तोत्रम। हम सभी जीवन में आर्थिक तंगी को लेकर बेहद परेशान रहते हैं। धन प्राप्ति के लिए हर संभव श्रेष्ठ उपाय करना चाहते हैं। धन प्राप्ति और धन संचय के लिए आदि शंकराचार्य द्वारा वर्णित कनक धारा स्तोत्र एवं यंत्र चमत्कारिक रूप से लाभ प्रदान करते हैं। आइए भगवान आदि शंकराचार्य द्वारा रचित श्री कनक धारा स्तोत्र का पाठ करते हैं। अंगम हरेह पुलक भूषण माश्रयन्ति, भृंगांगनेव मुकुलाभरणं तमालम्, अंगीकृता अखिल विभूतिर्पांगलीला, मांगल्यतास्तु मम मंगल देवतायाः, मुग्धा मुहुर्विदधती वदने मुरारेः, प्रेमत्र पाप्रणिहितानि गता गतानि, माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पलेया, सा मे श्रियं दिशतु सागर संभवायाः, विश्वामरेन्द्र पदवी भ्रमदान दक्षम्, आनंद हेतुरधिकं मुरवी द्विशोपि, ईशन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्धम्, इन्दीवरोदर सहोदरमिन्दिरायाः, आमीलिताक्षमदिगम्यमुदा मुकुन्दम्, आनन्दकन्दमनिमेषवनङ्गतन्त्रम्, आकेकरस्थितिकनीनिकपक्ष्मनेत्रम्, भूत्यै भवेन्मम भुजङ्गशयाङ्गनायाः, बाह्वान्तरेयमुर्जितः श्रितकौस्तुभेया, हारावलीव हरिनीलमयी विभाति, कामप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला, कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः, कालाम्बुदालिललितोरसिकैटभारेर्धाराधरे स्फुरति आतडिदङ्गनेव, मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्,
भद्राणि मे द्विषतु भार्गवनन्दनाया प्राप्तं पदं प्रथमतः खलु यत्र भावात् मांगल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन मय्यापतेत तदिह मन्थरमीक्षणार्थ मन्दाल संचमकरालय कन्यकाया दद्याद्दयानुपवनो द्रविणाम्बुधाराम् अस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशौ विषण्णे दुष्कर्म धर्ममपनीय चिराय दूरम् नारायण प्रणयनी नयनाम्बुवाहः इष्टाविशिष्टमतयोऽपि यया दयार दृष्ट्या त्रिविष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिः प्रहृष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टाम् पुष्टिं कृषीष्ट मम पुष्करवीष्टरायाः गीर्देवतेति गरुणध्वज सुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टिस्थिति प्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमस्त्रिभुवनैकगुरोस्तरुण्यै श्रुत्यै नमोऽस्तु शुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै शक्त्यै नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनायै पुष्ट्यै नमोऽस्तु पुरुषोत्तमवल्लभायै नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोदधिजन्मभूत्यै नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायै नमोऽस्तु हेमाम्बुजपीठिकायै नमोऽस्तु भूमण्डलनायिकायै नमोऽस्तु देवादिदयापरायै नमोऽस्तु शाङ्गार्युधवल्लभायै नमोऽस्तु देव्यै भृगुनन्दनायै नमोऽस्तु विष्णोरुरसिस्थितायै नमोऽस्तु लक्ष्मी कमलालयायै नमोऽस्तु दामोदरवल्लभायै नमोऽस्तु कान्त्यै कमलेक्षणायै नमोऽस्तु भूत्यै भुवनाप्रसूत्यै नमोऽस्तु देवादिभिर्चिन्तायै नमोऽस्तु नन्दात्मजवल्लभायै सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि त्वदवन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातर्निशम् कलयन्तु मान्ये यत्कटाक्षसमुपासनाविधि सेवकस्य सकलार्थसम्पदः सन्तनोति वचनाङ्गमानसै स्वां मुरारि हृदयेश्वरीं भजे सरसिजनिलये सरोजहस्ते धवलतमांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूतिकरि प्रसीद मह्यं दिग्धस्तिभिः कनककुम्भमुखावसृष्टस्वरवाहिनी
विमल चारु जल प्लुतांगीं प्रातर्नमामि जगतां जननीं अशेषं लोकाधिनाथ गृहिणीं अमृताधिपुत्रीं कमले कमलाक्ष वल्लभे तं करुणापूर तरंगितैरपांगैः अवलोकय माम किंचनानां प्रथमं पात्रं कृत्तिमं दयायाः सुवन्ति ये स्तुतिभिर्भूमिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवन मातरं रमान् गुणाधिका गुरुतर भाग्य भाजिनो भवन्ति ते भुवि बुध भाविताशया सुवर्णधारा स्तोत्रम् यच्छंकराचार्य निर्मितम् त्रिसंध्यम् यः पठे नित्यम् स कुबेर समू भवेत् इति श्रीमच्छंकराचार्य विरचितम् कनकधारा स्तोत्रम् संपूर्णम्। माता लक्ष्मी का यह कनकधारा स्तोत्र आप सबके जीवन को सदैव धन धान्य से पूर्ण रखे। जय माँ लक्ष्मी। महालक्ष्मी विद्यमहे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदया। महालक्ष्मी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी विद्यमहि विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी विद्यमहि विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ महालक्ष्मी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्।
लक्ष्मी विद्यमहे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सिद्धि धन्य